गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। टुडे आई विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ आईपीसी सेक्शन 364 एंड 364A। 364 क्या कहती है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। किडनैपिंग और अबडक्टिंग इन ऑर्डर टू मर्डर। कोई या ना किसी व्यक्ति को किडनैप या अबडक्ट करता है किसके लिए, मर्डर करने के लिए। Whoever kidnap or abduct any person in order that such person may be murdered or may be so disposed of as to be put in danger of being murdered। भी है ना, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को किडनैप या अबडक्ट करता है उसकी हत्या करने के लिए, या उसको ऐसे डिस्पोज करने के लिए कि उसकी लाइफ है ना वो खतरे में पड़ जाए और उसकी हत्या हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को कितनी पनिशमेंट होगी। शैल बी पुनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो हो सकती है, और रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर, अन्यथा उसको 10 साल की सजा होगी, कठिन कारावास और लाइबल टू फाइन। एग्जाम्पल, जैसे ए किडनैप जेड फ्रॉम इंडिया, इंटेंडिंग और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट जेड मे बी सेक्रीफाइड टू एन आइडल। कोई ए है, जेड को किडनैप करता है इंडिया से, भी उसको किसी आइडल या मूर्ति के सामने उसकी बलि दी जाएगी, उसको ऐसे डिस्पोज किया जाएगा कि उसकी मूर्ति के सामने उसकी बलि दी जाएगी। ई हैज़ कमिटेड द ऑफेंस डिफाइन इन दिस सेक्शन। तो ए ने इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अपराध किया है। दूसरी एग्जांपल है, ए फोर्सिबली कैरी और एंटाइज बी अवे फ्रॉम हिज होम इन ऑर्डर दैट बी मे बी मर्डर। ए हैज़ कमिटेड द ऑफेंस डिफाइन इन दिस सेक्शन। जो ए है वो बी को उसको बलपूर्वक घर से बहका कर ले जाता है और उसकी हत्या की जाए, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हत्या ही कोटि में आएगा, डेफिनेशन 364। तो 364A है किडनैपिंग फॉर रैंसम, मुक्ति धन के लिए किसी को किडनैप करना, या पैसों के लिए किसी को किडनैप करना। Whoever kidnap और अबडक्ट एनी पर्सन और कीप्स ए पर्सन इन डिटेंशन आफ्टर सच किडनैपिंग और अबडक्शन। कोई व्यक्ति है ना किसी को गिरफ्तार करता है और गिरफ्तार नहीं किडनैप और अबडक्ट करता है और उसको ऐसी जगह पर उसको डिटेक्ट करके रखता है और उसको धमकाता है, थ्रेट करता है टू कॉज डेथ और हर्ट टू सच पर्सन, भी उसकी मैं डेथ भी कर सकता हूँ और उसको हर्ट भी कर सकता हूँ। और बाय हिज कंडक्ट गिव राइज टू रीजनेबल एप्रीहेंशन दैट सच पर्सन मे बी पुट टू डेथ और हर्ट। उसको हर्ट करने के लिए, उसको मृत्यु प्राप्त करने के लिए धमकी देता है, ऐसी कोई रीजनेबल एप्रीहेंशन युक्तियुक्त शंका पैदा करता है कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है और उसको पृथ्वी भी कारक हो सकती है। कॉज हर्ट और डेथ टू सच पर्सन इन ऑर्डर टू कंपेल द गवर्नमेंट और एनी फॉरन स्टेट और इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और एनी अदर पर्सन टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनी एक्ट एंड पे रैंसम। भी जैसे कभी टेररिस्ट होते हैं कि अपने साथियों को छुड़वाने के लिए किसी गवर्नमेंट को फॉरन स्टेट को, वो उनको ऐसा कोई कार्य करने के लिए मजबूर करते हैं कि आप ऐसा कार्य करो और हमारे साथियों को छोड़ो और जाओ, पैसों की मांग करते हैं। किसी व्यक्ति या कईयों को किडनैप कर लेते हैं टेररिस्ट, या कोई अन्यथा कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को किडनैप कर ले और वो अपनी स्टेट से मांग पूरी करने के लिए कहे और जब पैसों की मांग करे, तो ऐसे व्यक्ति को इतनी पनिशमेंट होगी, शैल बी पनिशेबल विद डेथ। तो ऐसे व्यक्ति को डेथ की पेनल्टी भी मिल सकती है और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, शैल आल्सो लाइबल टू फाइन। उसको डेथ पेनल्टी भी हो सकती है, उसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी हो सकती है और उसको फाइन भी हो सकता है। जैसे किसी बालक को किडनैप कर लिया और उसको किडनैप करके पैसों की मांग करना, पैसे ना पहुँचने पर उसके बच्चे की हत्या कर देना, तो ये 364 के अकॉर्डिंग किडनैपिंग फॉर रैंसम के लिए क्राइम माना जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो एंड यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। So please like the video and like and share my videos and
hit the subscribe channel. So I hope you like my video and subscribe my channel. Thank you. Take care.